तो गाइस मैं आपको अपने बॉट की फंक्शनैलिटी पहले बता देता हूँ। ये बॉट क्या करेगा, सबसे पहले ये सर्च बटन को सर्च करेगा, स्क्रीन पे लोकेट करने के बाद उस पर क्लिक करेगा। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, उस इस रीसेंट को ढूंढेगा, इस रीसेंट से जस्ट नीचे जो भी हैशटैग होगा ये उस पर क्लिक करेगा। उस पर क्लिक करने के बाद इन टॉप पोस्ट को वो स्किप करके मोस्ट रीसेंट पोस्ट पर आएगा। इस रीसेंट पोस्ट में से ये किन्हीं भी 10 पोस्ट में से रेंडमली किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट करके और उस पर लाइक इट कमेंट करेगा। मैं आपको इसका कोड का एक बार डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो इसका कोड ये रहा। तो अब देखो, सबसे पहले ये हमने क्लिक फंक्शन बनाया है और ये सर्च बटन को हमने PNG बना के डेस्कटॉप पे स्टोर कर रखा था। अब ये देखिए, सबसे पहले ये सर्च बटन को सर्च करेगा, ये रहा उसका कोड, और उसके कोऑर्डिनेट लेने के बाद उस पर रेंडमली किसी भी पोजीशन पे क्लिक कर देगा। उसके बाद वो सबसे पहले एक रीसेंट को सर्च ढूंढेगा। ये रीसेंट देखो, ये रहा रीसेंट। अब जैसे ये रीसेंट पे क्लिक, रीसेंट को ढूंढने के बाद फर्स्ट हैशटैग पे क्लिक करेगा। उसकी लोकेशन हमने रीसेंट की लोकेशन से थोड़ा नीचे है तो उसको यहाँ पे थोड़ा नीचे क्लिक करवा दिया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे ही वो इस हैशटैग पे क्लिक करेगा, वो इस हैशटैग में से फिर इस मोस्ट रिसेंट को ढूंढेगा। इस मोस्ट रिसेंट को ढूंढने के लिए उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पे ये फंक्शन माउस इवेंट हमने बना रखा है, तो ये 400 से 300 पिक्सल्स उसको स्क्रॉल डाउन करता रहता है। जैसे उसको मोस्ट रिसेंट मिलेगा, वो उसके कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट करने के बाद फर्स्ट पोस्ट पे क्लिक करेगा। ये रहा उसका, अब ये उसका कोड है। फर्स्ट पोस्ट पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, उसके बाद ये उसको लाइक को वो सर्च करेगा। जैसे कि देखो कि मोस्ट रिसेंट पे फर्स्ट पोस्ट पे अपन ने क्लिक किया, फिर वो इस बटन को सर्च करेगा, लोकेट करेगा। इसको लोकेट करने के बाद वो इसको लोकेट करके इसको नेक्स्ट करेगा। फिर हमने एक और लूप लगाया है 10 पोस्ट तक का। अभी देखिए ये लूप है, तो ये नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद ये रेंडमली किन्हीं भी पोस्ट पे लाइक एंड कमेंट करेगा। तो ये रेंडम फंक्शन हमने लगा रखा है, तो जब भी इसकी वैल्यू 2 रहेगी तभी वो किसी भी पोस्ट को लाइक और कमेंट करेगा, अदरवाइज उसको वो स्किप करता जाएगा। तो मैं आपको अब अपने बॉट का एक बार डेमो दे देता हूँ।